नमस्कार, आप देख रहे हैं वन टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार। पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज का ही वो दिन है जब 1950 में संविधान बनाया गया। आज के दिन हम गणतंत्र बनाने वाले उन वीर बलिदानियों राष्ट्र निर्माताओं को याद करते हैं। हम याद करते हैं उनको जिनकी बलिदानियों पर भारत एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र बना। और आज पूरा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। पूरा देश तिरंगों के रंग में रंग चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघिया में, प्रखंड मुख्यालय सिंघिया में मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रखंड प्रमुख बिरजू शाह देश की आन बान और शान पे जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने के लिए इस वक्त तैयार हैं। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं, हमारे साथ लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। भारत आपको दिखा रहा है ये सीधी कवरेज। आइए हमारे साथ आप देख सकते हैं उसको समझाइए जो तनी वो उसको साइड से मनोज गोरी है ना हमारे लाग बैठे हो मैं अपन सिंधिया जो वो तो आगे ने जाओ इनके को वो लड़का कहाँ है? वो लड़का बताइए ना, हम लोग को नहीं, उन लोग को सोचने वाले पीछे से लोगों का काम करते झंडा उल्टा भए गेल तब तो की है हमें पीछू चल के लोग दिक्कत है। पिछला बेर भए गेल झंडा उल्टा थे वो पीछू झंडा लेके आ गेल उल्टा है प्रखंड मुख्यालय में उल्टा कदम बुझो आई में टूट गेल रे बात वह भेलै ने हॉस्पिटल भए गेल हॉस्पिटल तो होइते रहै छै जहिया सोचेंद्र भी तैयार रिकॉर्ड भए जेतै अरे ऐसे मिलते रहता है 50 के बड़े पैदा हुए जी ठीक है। आप देख सकते हैं आज प्रखंड प्रमुख बिरजू शाह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएंगे। तमाम पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में प्रखंड प्रमुख बिरजू शाह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने को तैयार है। चंद मिनटों के बाद वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएंगे। हमारे साथ ये लाइव कवरेज आप देखते रहिए। सब चीज तो देखना पड़ता है भाई, सुनिए ना साहब सर देखना है देखते हैं और देखते हमको नहीं लगता आपके पास देखते हैं इसको बताइए आप ले लीजिए ना, तब तक आप तब तक ले लीजिए, जब तक नहीं पकड़ेगा आप खुद से वीडियो उतना सेट करो। जल्दी और
बिरजू शाह अब तिरंगे को फहराने को पूरी तरह से तैयार, वक्त हो चुका है अब तिरंगे को फहराने का। और ये तस्वीरों में देखिए तिरंगा फहरा दिया गया है प्रखंड प्रमुख बिरजू शाह। सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाते हुए इस वक्त देखे जा रहे हैं। पूज्य बापू स्वतंत्रता हमारी, गणतंत्रता हमारी, प्रगति हमारी, एकता हमारी, भारत माता की, भारत माता की। श्रीमान झूलन तुमन का कार्यक्रम समाप्त हुआ, आगे कार्य। प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड प्रमुख बिरजू शाह अब झंडा फहरा चुके हैं, वो तिरंगे को फहरा चुके हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी में, तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्होंने इस तिरंगे को फहराया है। और ये लहराता हुआ ये तिरंगा की तस्वीर देखिए, ये लहराता हुआ तिरंगे की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रखंड प्रमुख बिरजू शाह अब तिरंगे को फहरा चुके हैं। और आइए और भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ देखिए। अब यहाँ के बाद जो है सो आप प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार सचिधर इस तिरंगे को फहराएंगे, जिसके बाद व्यापार मंडल में तिरंगे को फहराया जाएगा। लगातार जो है सो तमाम सरकारी स्थानों पर जो है सो तिरंगे को आज फहराया जाएगा। हमारे साथ देखते रहिए लगातार कवरेज आपको फिनिश कर दें। उधर फहराना